हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज पुलाव। उसके लिए मैंने थोड़े से गोभी लिए हैं जिसे मैंने ऐसे पतले पतले ही काटा है, थोड़े से गाजर हैं जिन्हें मैंने पतले पतले काटा है, एक प्याज है, थोड़े से बीन्स हैं, एक आलू है, थोड़े से मटर, दो हरी मिर्च और ये हमारी शिमला मिर्च। मैंने कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं जिसमें एक चम्मच जीरा, छोटी इलायची, एक लौंग और एक तेजपत्ता है। चावल, एक गिलास चावल है हमारी जो इस गिलास से है, जिसे मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो के रख लिया था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गैस पे मैंने कुकर को चढ़ा लिया है, कुकर को गर्म होने दें। इसमें हम 3 चम्मच तेल या घी जो है आप डाल लें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डाल लेते हैं। जीरा को चटकने दें, एक तेज पत्ता डाल दें, लौंग और इलायची डाल लें। अब हम इसमें अपनी प्याज डाल लेते हैं और हरी मिर्च है जिसे मैंने तोड़ के ले लिया है। इसे 2 मिनट तक भूनें, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसे अच्छे से फैला लें। अब इसमें हम अपनी गोभी डाल लेते हैं, इसे भी 2 मिनट तक भून लें। अब इसमें हम अपनी गाजर डाल लेते हैं। कड़ी सब्जियों को पहले डालें। अब इसमें हम अपनी आलू डाल लेते हैं। सभी सब्जियों को 2-2 मिनट तक भून लें। अब इसमें हम अपनी बीन्स डाल लेते हैं। अब शिमला मिर्च और मटर को डाल लें और इसे भी 2 मिनट तक चला लें। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। मैंने चावल का पानी निकाल लिया है, इसमें अब अपनी चावल डाल दें और 5 मिनट तक भून लें। चावल को भूनते भूनते हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेते हैं। चावल और सब्जियां हमारे अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। हमारा 1 गिलास चावल था तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे और हम इसे 2 सीटी लगवाएंगे ढक्कन बंद करके। 2 सीटी हो चुके हैं, अपना गैस बंद कर लें। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है, देखिए कितने किले चावल बन के तैयार हुए हैं। देखिए अब इसमें हम हरी धनिया डाल लेते हैं जिसे मैंने बारीक काट रखा है। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।